हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ अर्चना। आप सभी का तला दलाल की किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महाराष्ट्र टाइप रेसिपी लेकर आई हूं, जो हर कोई चाव से खाता है, जिसका नाम है पिटले। और हाँ, इसी के साथ मैं एक कॉम्बिनेशन भी लेकर आई हूं, जो है चावल का भाकरी। तो चलो झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो अब इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का मिश्रण बनाएंगे। उसके लिए पहले हम बेसन ले लेंगे एक बोल में, और इसी के साथ पानी डालेंगे। ये तकरीबन 2 कप पानी है, और इसे एक विस्क की मदद से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और कोई भी लम्स नहीं है। तो अब इस मिश्रण को हम साइड में रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, अब इसमें हम डालेंगे तेल। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसमें हम डालेंगे लहसुन और इसे सिर्फ 30 सेकेंड के लिए सौते कर लेंगे, ताकि एक अच्छा फ्लेवर तेल में आ जाए। अब ध्यान रखिए, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसके फ्लेवर्स हमको रिलीज करना है। तो 30 सेकेंड हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा और कड़ी पत्ते। इसे भी हम 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारी हरी मिर्ची, ये आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं डालूँगी इसमें प्याज बारीक कटे हुए, और इसे सिर्फ मैं 1 मिनट तक भून लूंगी। इसे भी हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक हमें भूनना है। इस पिटले का मेन इंग्रेडिएंट लहसुन है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पिटले में। अब 1 मिनट भी हो चुकी है, अब देख सकते हैं ये ब्राउन नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे जो हमने बेसन का मिश्रण बनाया था, बस इसे एक बार मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और ये मिश्रण को इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे हल्दी, धनिया, बहुत सारा धनिया, और स्वाद अनुसार नमक। और अब इसे हमें कंटिन्यूस चलाते हुए 2 मिनट तक पकाना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसे नहीं मिक्स करेंगे तो ये लम्स में फॉर्म हो जाएगा, और इसका फ्लेम भी मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैं जैसे मिक्स कर रही हूँ, वो गाढ़ा होते जा रहा है। इसे कंटिन्यूस चलाना ना भूलें, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है पिटले बनाने के लिए। अब 2 मिनट भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से थिक हो गया है। इस टाइम पे आपको गैस को स्विच ऑफ करना है, नहीं तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन मैं इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन में राइस की भाकरी बनाना सिखाने वाली हूँ, तो चलो उससे बनाना सीखते हैं। अब भाकरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक डीप पैन ले लिया है, अब इसमें मैं पानी डालूँगी। ये 1 कप पानी है, और इस पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी, और इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे इसे। जैसे इसमें उबाल आ जाए, अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, और इसे जल्दी से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो ये एक लंप फॉर्म हो जाएगा। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और एक लिड लगाकर इसे करीब 15 मिनट तक साइड में रख देंगे। उसके बाद हम इसे नीड कर आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब 15 मिनट हो चुकी है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से नीड कर लेंगे हम। जब ये हल्का गर्म हो तभी ही आपको ये आटा नीड करना है।
अब देख सकते हैं ये अच्छी तरह से नीड हो गया है और एकदम स्मूथ हो गया है। तो अब इस आटे का हम 5 भाग कर लेंगे। तो अभी हम झटपट से इस भाकरी को बनाना शुरू करते हैं। तो अब भाकरी बनाने के लिए एक भाग ले लेंगे हम आटे का, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे बेल लेंगे। अगर आपकी भाकरी में ऐसे क्रैक्स आने लगे तो बस हाथों से इस तरह से जोड़कर आप फिर से बेलना शुरू कर सकते हैं। तो अब हमारी भाकरी अच्छी तरह से रोल कर तैयार है और ये तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसे डालेंगे, इसमें हल्का स्पॉट्स आने तक हम दोनों साइड से पका लेंगे। इसका फ्लेम भी हम मीडियम रखेंगे। तो ये एक बाजू से सेक गया है, अब हम इसे पलट देते हैं। अभी हल्का सा दोनों बाजू से हो गया है, अब हम इसे उठा लेंगे और इसे ओपन फ्लेम में हम पका लेंगे इस तरह से घुमाकर पलट देंगे। यहाँ पर भी हम हल्का स्पॉट्स आने तक ही पकाएंगे। देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह से ये फूक गया है। तो बस हमारी राइस की भाकरी बनकर तैयार है। अब हम इसी तरह से बाकी भाकरियों को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। गर्मा गर्म राइस भाकरी बनकर तैयार है। जैसे मैंने कहा था कॉम्बिनेशन पिटले है, तो यहाँ पे मैंने पिटले भी सर्व किया है। इसे मैं थोड़ी और धनिया से डेकोरेट कर दूंगी और इसी तरह से हम गर्मा गर्म इसे परोसेंगे। तो आप ये रेसिपी अपने किचन में जरूर ट्राई कीजिए और इसका फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। टिल देन गुड बाय। डाउनलोड द तरला दलाल ऐप ऑन योर एप्पल एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस। फॉलो अस ऑन द फेसबुक एट tarladalal.com।